नमस्कार, मैं भाग्यश्री डोंगे। आज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। दुबई की एक 33 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म के आरोप में शिवसेना सांसद राहुल शेवाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। वही एक ठग गिरोह ने शिंदे सरकार में मंत्री बनने के लिए विधायकों को ठगने का प्रयास किया। इस गिरोह ने 3 भाजपा विधायकों से मंत्री बनने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि मांगी थी। तो महाराष्ट्र का सियासी मामले पर सुनवाई होने के लिए सुप्रीम कोर्ट बड़ी बेंच गठित कर सकता है। आज सीजेआईवी एनवी रमना ने इसके संकेत दिए। इस बीच ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अभी सांसद का सत्र चल रहा है, इसलिए पेशी में छूट चाहिए। तो उधर ठाणे जिले की एक प्राइवेट बैंक में चोरी का पर्दाफाश हुआ। चोरों ने फिल्मी अंदाज में इसे अंजाम दिया था। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से के लिए बने रहिए हमारे साथ। दुबई की एक 33 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म के आरोप में शिवसेना सांसद राहुल शेवाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। यह महिला दुबई में रहती है और गारमेंट का बिजनेस करती है। महिला ने सांसद राहुल शेवाले पर मानसिक उत्पीड़न, रेप और धोखा देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शादी का झांसा देकर शेवाले वर्ष 2020 से उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। महिला ने साकिना का पुलिस को शिकायत देने के साथ सीएम एकनाथ शिंदे को भी ओपन लेटर इंसाफ दिलाने की मांग की है। महिला का आरोप है कि मुंबई पुलिस शिंदे गुट के शिवसेना सांसद शेवाले के प्रभाव में है, इसलिए उनकी शिकायत पर केस दर्ज नहीं कर रही है। पीड़िता ने अपने और शेवाले के कुछ वीडियो भी ट्वीट किए हैं, जिसमें वे दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रहे हैं। सांसद राहुल शेवाले ने इन आरोपों को गलत बताते हुए पुलिस में महिला के खिलाफ शिकायत दे दी है। इसी शिकायत में महिला के खिलाफ एक्शन लेने और ट्वीट हटाने की मांग की गई। राहुल शेवाले ने माना है कि इस महिला के साथ जब उनके अच्छे ताल्लुकात थे, उस समय के वीडियो के जरिए वह उन्हें ब्लैकमेल करना चाह रही है। जब वे उसके दबाव में नहीं आए तो उसने ट्वीट और वीडियो वायरल किए। खास बात यह है कि मई के बाद में मामला अब अचानक सामने आया है, जब राहुल शेवाले एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए। अपने पति के खिलाफ लग रहे आरोपों को शेवाले की पत्नी कामिनी ने खारिज किया और इसे 25 वर्षों से अधिक समय से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय सांसद की छवि खराब करने के लिए जानबूझकर साजिश करार दिया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार बने 15 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। वही एक ठग गिरोह ने मंत्री बनने के लिए विधायकों को ठगने का प्रयास किया। जानकारी मिली है कि गिरोह ने 3 भाजपा विधायकों से मंत्री बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि मांगी थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विधायकों से ठगी के प्रयास में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके नाम है रियाज शेख, योगेश कुलकर्णी, सागर सांगवई और जफर उस्मानी। चारों आरोपियों को 26 जुलाई तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में सौंपा गया है। एफआईआर के मुताबिक विधायक से शिंदे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनवाने के बदले 100 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। पुलिस के अनुसार 12 जुलाई को एक विधायक के पास रियाज शेख का फोन आया था और कहा था कि आपको कैबिनेट मंत्री बनवा देंगे, लेकिन 100 करोड़ रुपए लेंगे। विधायक ने तब रिवाज को कोई महत्व नहीं दिया था, लेकिन 17 जुलाई को शाम 4:30 बजे सचिव से मुलाकात के बाद विधायक ने सचिव के जरिए रियाज को शाम को 5:15 बजे संबंधित होटल में मिलने बुलाया। रियाज और विधायक की वहां लंबी मीटिंग हुई। रियाज ने सौदा 90 करोड़ रुपए में फिक्स किया, लेकिन एडवांस में 18 करोड़ रुपए मांगे। इसके बाद विधायक ने रियाज से अगले दिन तक रुकने को कहा और यह बात अपने निजी सचिव को बताई। महाराष्ट्र का सियासी मामला उलझता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच गठित कर सकता है। आज बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई एनवी रमना ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा मामले की सुनवाई के लिए एक बड़ी बेंच की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बेंच किस तरह की हो सकती है, उस पर विचार कर बेंच का गठन करने में कुछ समय लग सकता है। इस बीच शिंदे गुट के वकील हरीश सालवे ने उद्धव गुट की याचिकाओं का जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष अपनी लिखित दलीलें जमा करें, आपस में चर्चा कर सुनवाई के बिंदुओं का एक ही संकलन जमा करें। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। महाराष्ट्र में दोनों खेमे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अपने अपने विधायकों और विधायकी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उद्धव खेमे की ओर से शिंदे गुट के 15 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिए जाने के बाद शिंदे खेमे के स्पीकर की ओर से उद्धव खेमे के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके बाद उद्धव खेमा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इन्हीं मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले 11 जुलाई को शिवसेना के शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की एक चौल के पुनर्विकसित में कथित अनियमितताओं और उनकी पत्नी और कथित सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज तलब किया है। वही ईडी ने पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत के करीबी सहयोगी सुजीत पाटकर से मंगलवार को 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अभी सांसद का सत्र चल रहा है, इसलिए पेशी में छूट चाहिए। मैं फिलहाल दिल्ली में रहूंगा। उद्धव ठाकरे खेमे राज्यसभा सांसद राउत ने किसी भी गलत काम से इनकार किया था और आरोप लगाया था कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है। राउत को एजेंसी के मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यकाल में पेश होने के लिए कहा गया। इस मामले में 1 जुलाई को उनसे पूछताछ की गई थी और उन्होंने जांच अधिकारी के साथ करीब 10 घंटे बिताए थे। इस दौरान पीएमएल की आपराधिक धाराओं के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था। तब राउत ने बाहर निकलते समय संवाददाताओं से कहा कि मैंने पूरा सहयोग दिया और उनके सभी सवालों के जवाब दिए। अगर वे मुझे बुलाएंगे तो मैं फिर हाजिर होऊंगा। मैंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है। बैंक में चोरी और डकैती के बहुत से मामले सामने आते हैं, लेकिन ठाणे जिले की एक प्राइवेट बैंक में चोरी ऐसी हुई जैसा आपने हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा। चोरों ने बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर एक शातिर प्लान तैयार किया, लेकिन वे अपने पीछे कुछ सबूत छोड़ ही गए। इसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस निरीक्षक अनिल सुरेश होनराव ने बताया कि मानपाड़ा पुलिस थाने में 13 जुलाई को FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें बैंक कर्मचारी द्वारा बैंक की तिजोरी से 34 करोड़ रुपए चुराने की बात थी। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5.8 करोड़ रुपए और एक गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया मुबरा इलाके से इसरार अबरार हुसैन कुरैशी, शमशाद अहमद रियाज, अहमद खान और अनुज प्रेमशंकर गिरी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक बैंक में हुई चोरी का पता 11 जुलाई को चला। बैंक के अधिकारियों को कैश चेस्ट से 34.20 करोड़ रुपए गायब मिले। इसके बाद बैंक अधिकारियों ने अपने स्तर पर छानबीन शुरू की, लेकिन बाद में पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। पुलिसिया जांच में सामने आया कि बैंक के CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की गई है। इस दौरान कैश वॉल्ट रखने वाले कमरे की जांच करते समय बैंक अधिकारियों ने देखा एयर कंडीशन डैक क्षतिग्रस्त हो गया था। आगे की जांच करने पर उन्हें डैक में 7 बैग मिले, जिसमें 22 करोड़ रुपए की चोरी नकदी मिली। राजस्थान के भरतपुर जिले के खोहा थाना इलाके में पसोपा गाँव के पास 1.5 साल से इलाके की पहाड़ियों से खनन बंद कराने की मांग पर अड़े साधुओं ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। तो केरल में नीट परीक्षा को लेकर मचा विवाद देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तलाशी के वक्त छात्राओं को अपने इनरवेयर हटाने के लिए कहा, जिसके बाद इस विवाद ने जन्म लिया है। वहीं पीएम मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाली खिलाड़ियों से कहा कि आने वाले 15 दिन दुनिया पर छा जाने का बड़ा सुनहरा अवसर है। तो उधर योगी सरकार में जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खाटिक ने काम करने का बंटवारा न होने से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसमें करीब 345 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान के भरतपुर जिले के खोहा थाना इलाके में पासोपा गांव के पास 1.5 साल के इलाके की पहाड़ियों से खनन बंद कराने की मांग पर अड़े साधुओं ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। इसी बीच साधु नारायण दास के मोबाइल टावर पर चढ़ने से जिला प्रशासन के बीच हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन की समझाइश के बाद भी साधु टावर से नीचे आने को तैयार नहीं है। साधु की मांग है कि इलाके को वन क्षेत्र में घोषित करने और खनन बंद करने की लिखित में पत्र चाहिए, इसके बाद ही नीचे आने का तैयार हो पाऊंगा। यदि सरकार साधुओं की बात मानती है तो खनन कार्य बंद हो जाएगा। इससे कई कांग्रेस नेताओं को भी भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और साधुओं की 2 दिन पहले सकारात्मक वार्ता हुई थी, मगर इसके दूसरे दिन सुबह साधु नारायण दास वहां लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गए। बाबा को समझाने की कोशिश में अधिकारी और मंत्री जुटे हुए हैं, मगर नतीजा फिलहाल शून्य ही है। खनन कार्य बंद करने की मांग को लेकर साधु संतों के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने नगर और पहाड़ी के दोनों तहसीलों में नेट सेवा बंद करवा दी है। मौके पर सभी अधिकारी और करीब 15 थाना प्रभारी तैनात है। साधु संतों की समझाइश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और साधु संतों के बीच फिर से वार्ता हो सकती है।
केरल में नीट परीक्षा को लेकर मचा विवाद देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोल्लम के अयोर में नीट परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां परीक्षा के दौरान एजेंसी कर्मियों ने तलाशी के वक्त छात्राओं को अपनी इनरवियर हटाने के लिए कहा, जिसके बाद इस विवाद ने जन्म ले लिया। दक्षिण से लेकर उत्तर तक सोशल मीडिया यूजर्स इस कदम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ट्विटर पर लोगों ने तीखे कमेंट्स आ रहे हैं। इसी बीच मामले में जांच के लिए फैक्ट फाइटिंग टीम गठित कर दी गई है। वहीं अब तक की कार्रवाई में 5 महिलाओं की गिरफ्तारी की जा चुकी है। नीट परीक्षा की अभ्यर्थी 17 वर्षीय लड़की के पिता के मुताबिक जब बेटी कोल्लम केंद्र पहुंची तो परीक्षा से पहले तलाशी की बात कही गई। उसे NEET दिशा निर्देशों का हवाला दिया गया और जांच करने के लिए अनुबंधित एजेंसी कर्मियों ने उसकी बेटी को अपने आंतरिक वस्त्र उतारने के लिए कहा। पिता ने कहा कि उसकी बेटी को चेतावनी दी गई थी कि अगर उसने इसका पालन नहीं किया तो वह परीक्षा नहीं दे पाएगी। इसके बाद पिता ने अधिकारियों से उसे एक स्टॉल उधार देने का अनुरोध किया। जब उन्हें बताया गया कि वहाँ कोई स्टॉल नहीं है तो बेटी ने पिता से कहा तो वह माँ से ला कर दे, जो कि परीक्षा केंद्र के बाहर इंतजार कर रही थी। छात्र ने वहाँ मौजूद अधिकारी से फोन मांगा, जिसके बाद परीक्षा केंद्र के गेट पर आकर माँ ने स्टॉल दिया। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में पीएम मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों से कहा कि आने वाले 15 दिन दुनिया पर छा जाने का बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं देश के प्रत्येक खिलाड़ी को शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार भी आप सभी खिलाड़ी कोच उत्साह से भरे हुए हैं, जिनके पास पहले से कॉमनवेल्थ का अनुभव है। आप लोगों को क्या करना है, कैसे खेलना है, इसमें आप एक्सपर्ट हैं। मैं बस यही कहूंगा, जी भरकर जमकर पूरी ताकत के साथ बिना किसी टेंशन के। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। यही एटीट्यूड लेकर जाना है, खेलना है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के एथलेटिक्स खिलाड़ी अविनाश सामले, वेटलिफ्टर अंचिता उसाली, झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला, केरल की बैडमिंटन खिलाड़ी त्रिशा जोली और अंडमान के साइकिलिस्ट डेविड बेकहम से बातचीत। पीएम मोदी ने कहा कि आज यह समय भारतीय खेलों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। आज आप जैसे खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है, आप शिखर पर चढ़ रहे हैं, नए शिखर गढ़ रहे हैं। आपके पास अनुभव और साथ साथ नई ऊर्जा दोनों का अद्भुत संगम है। योगी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने काम का बंटवारा न होने से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी में उन्होंने अपने विभाग के अफसरों पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। इसकी कॉपी उन्होंने CM और राजभवन को भी भेजी है। हालांकि सरकार और पार्टी संगठन के स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पत्र में दिनेश खटीक ने लिखा है कि जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण उनके किसी भी आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, न ही उन्हें सूचना दी जाती है कि विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर दलितों को अपमान करते हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग को एक मामले को लेकर फोन किया, पर उन्होंने बात सुने बगैर फोन काट दिया। वह दलित जाति के मंत्री है, इसीलिए विभाग उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देनी ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं, और इतने से ही राज्य मंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन हो जाना समझते हैं। इस विभाग में स्थानांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश गुजरात के अहमदाबाद में है। अब प्रधानमंत्री से संसदीय क्षेत्र काशी में भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसमें करीब 345 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। उप्र सरकार इसके लिए जमीन उपलब्ध करा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ इसका निर्माण कराएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हर राज्य क्रिकेट संघ को 80-90 करोड़ रुपए स्टेडियम के निर्माण पर सब्सिडी देता है। वह UPCA को भी इसके लिए सब्सिडी देगा। BCCI के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने राजा तालाब तहसील के गंजारी में चिन्हित जमीन को देखा था। BCCI और UPCA को वह जमीन उपयुक्त लगी है, जल्दी वहाँ पर निर्माण की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। मालूम हो कि शुक्ला UPCA के पूर्व सचिव भी है। एक माह पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और जय बनारस आए थे, उस समय पडरा में भी 4 स्थानों पर जमीन देखी थी, लेकिन वह BCCI को पसंद नहीं आई थी। BCCI पदाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बनारस में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बने। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी UPCA का खुद का कोई स्टेडियम नहीं है। उप्र के कानपुर में ग्रीक पार्क और लखनऊ में इकाना स्टेडियम है। ग्रीन पार्क राज्य सरकार का है और इनाका भी PPP मॉडल पर है।
अमेरिकी खुफिया विभाग ने रूस पर यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाने की योजना बनाने का आरोप लगा है। तो यह भी चर्चा की है, यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ लगाए गए अपने सख्त प्रतिबंधों में ढील देने की तैयारी कर रहा है। वही श्रीलंका में आज राष्ट्रपति का चुनाव है। 44 साल में यह पहला मौका होगा जब सांसद सीधे तौर पर राष्ट्रपति के लिए वोट डालेंगे। तो उधर चीन की पुलिस ने एक चोर को मच्छरों के माध्यम से पकड़ लिया। दरअसल चोर ने जिन मच्छरों को मारा था उसका डीएनए उसके लिए साधन बना। इस बीच कई रिपोर्टों से पता चलता है कि बीजिंग के जासूसों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाया है जो दुनिया भर में चीन विरोधियों को चुप कराने का काम करता है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष पर अभी तक कोई आधिकारिक परिणाम सामने नहीं आया, लेकिन यह सच है कि यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसी बीच अमेरिकी खुफिया विभाग ने रूस पर यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाने की योजना बनाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी का आरोप है कि रूस क्रीमिया के अपने अधिग्रहण की तरह ही राजनीति बनाकर खुद में यूक्रेन के कुछ और क्षेत्रों को शामिल करना चाहता है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने अमेरिकी खुफिया विभाग के हवाले से कहा है कि रूस पहले से ही यूक्रेन के अधिक क्षेत्रों में खुद में शामिल करने की योजना बनाना शुरू कर दिया है। रूस इस मामले में यूक्रेन के नाजायज रूसी समर्थकों के जनमत संग्रह कराने का दिखावा करेगा ताकि यह साबित कर सके कि यूक्रेन के लोग रूस में शामिल होने को लेकर सहमत है। जनमत संग्रह कर उसके परिणामों का उपयोग रूस द्वारा यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जे का दावा करने में प्रयास के रूप में किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में यूक्रेन की निगाह है उसमें अमेरिकी राजदूत डेनियल फ्राइंड ने यूक्रेन को लेकर रूसी योजनाओं पर कहा है कि पुतिन यूक्रेन को हराने के आधार पर नहीं बल्कि एक बेतुके दावे के आधार पर यूक्रेन के एक बड़े क्षेत्र पर अपना दावा कर सकते हैं जिसका पश्चिमी देश विरोध करेंगे और रूस को अलंग थलंग करने की कोशिश करेंगे। चर्चा है कि यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ लगाए गए अपने सख्त प्रतिबंधों में ढील देने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही रूस के ऐसे बैंकों से प्रतिबंध हटाया जा सकता है जो खाद्य और उर्वरक के व्यापार से जुड़े हैं। अगर यूरोपीय संघ रूसी बैंकों से प्रतिबंध हटाता है तो इसे रूस की बड़ी जीत मानी जाएगी। दरअसल रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद काला सागर पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन के लगभग सभी छोटे बड़े बंदरगाह रूस के नियंत्रण में है। ऐसे में यूक्रेन चाहकर भी अपने अनाज और यूरोपीय देशों में निर्यात नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन पूरे यूरोप में अनाज के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। हाल में ही तुर्की ने यूक्रेन से अनाज खरीदने के लिए रूस से बात की है, जिसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आदेश पर रूसी सेना ने काला सागर में एक सुरक्षित अनाज व्यापार गलियारा बनाने का ऐलान किया है। इधर यूरोपीय संघ का नया प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। संघ के अधिकारी प्रतिबंधों को हटाने के लिए सदस्य देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इससे लागू करने के लिए सर्वसम्मति से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अनुमोदन के बाद यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण ब्लैकलिस्ट हुई रूसी बैंकों को बहुत राहत मिलेगी। रूसी बैंकों के इन फंड का इस्तेमाल गेहूं और उर्वरकों सहित कृषि और खाद्य उत्पादनों की खरीद, आयात या परिवहन के लिए किया जा सकेगा। रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। श्रीलंका में आज हुए राष्ट्रपति चुनाव के कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबले में जीत हासिल की है। सांसदों ने मंगलवार को उम्मीदवारों के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे समेत 3 नामों का प्रस्ताव किया था। नए राष्ट्रपति चुने गए विक्रमसिंघे नवंबर 2024 तक पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे के शेष कार्यकाल के लिए पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए जिन 3 नामों का प्रस्ताव किया गया था उनमें रनिल विक्रमसिंघे, दुल्लास अल्लापे रुम्मा और अनुरा कुमारा दिशा नायके शामिल थे। अल्लापे रुम्मा कट्टर सिंहली बौद्ध राष्ट्रवादी और सत्तारूढ़ श्रीलंका पोंदुजाना पेरामुना पार्टी के सदस्य है। उन्हें मुख्य विपक्षी नेता एस प्रेमदासा ने समर्थन देकर अपना नाम वापस लिया है। वही दिशा नायके वामपंथी जनता विमुक्ति पेरामुना के प्रमुख सदस्य है। इससे पूर्व विक्रमसिंघे व विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा समेत अनेक नेताओं ने सांसद पहुंचकर मतदान किया था। प्रेमदासा ने ट्वीट कर कहा था कि हम भ्रष्टाचार विरोधी, सभी के लिए समृद्धि, विश्वसनीय और पारदर्शी सरकार का समर्थन करेंगे। प्रेमदासा ने कल राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने विभिन्न मुद्दों को लेकर बदनाम हुई राजपक्षे सरकार से दूरी बनाते हुए कहा था कि वह उस प्रशासन में नहीं थे और उन्हें दिवलिया देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए नियुक्त किया गया था।
चीन में पुलिस ने बड़े अनोखे तरीके से एक चोर को पकड़ा है जिस घर में चोरी हुई थी। पुलिस को वहां कई कैमरे में मच्छर मिले। पुलिस ने डीएनए के माध्यम से चोर का पता लगाने के लिए दीवार पर लगे खून के धब्बों का इस्तेमाल किया। घर से बाहर निकलने के वक्त चोर ने दीवार पर बैठे मच्छरों को मार दिया था जिससे उसकी चोरी पकड़ी गई। यह चोरी 11 जून को फुजियान प्रांत के फुजो में हुई थी। पुलिस ने कहा कि जब वे घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि दरवाजे के भीतर से बंद था और चोर बालकनी से अपार्टमेंट में घुसा था। अधिकारियों को किचन में कुछ नूडल्स और अंडे के छिलके मिले जिसके आधार पर उन्होंने पाया कि चोर ने घर में ही रात गुजारी थी। रिपोर्ट के अनुसार घर में एक इस्तेमाल हुई मॉस्किटो कॉइल, दो मरे हुए मच्छर और दीवार पर खून के धब्बे मिले। पुलिस ने बेहद सावधानी पूर्वक खून के नमूनों को दीवार के से इकट्ठा किया और डीएनए की जांच के लिए उन्हें भेज दिया। पुलिस ने पुष्टि की डीएनए के सैंपल्स चाई सरनेम एक संदिग्ध व्यक्ति के थे जिसका एक आपराधिक रिकॉर्ड है। इस खबर से चीनी सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि यह मच्छरों का बदला है, मैं गलत था जो सोचता था कि मच्छर किसी काम के नहीं होते। पुलिस ने चोरी के 19 दिनों के बाद चोर को पकड़ लिया। चीन दुनिया भर में अपने विरोधकों को दबाने के लिए एक बड़े जासूसी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। कई रिपोर्टों से पता चलता है कि बीजिंग ने जासूसों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाया है जो दुनिया भर में चीन विरोधियों को चुप कराने का काम करता है। अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन फ्रीडम हाउस ने अपनी हालिया रिपोर्ट में 2014 और 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय दमन और 735 घटनाओं का दस्तावेज प्रस्तुत कर इस दावे को पुष्ट करने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन हमले, ऑनलाइन धमकी, हिरासत जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर दुनिया भर में चीन विरोधी बागियों को चुप करा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कई समूहों को लक्ष्य बनाकर चीन की विदेशी आबादी पर दबाव बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें कई जातियों और धार्मिक अल्पसंख्यक, राजनीतिक असंतुष्ट मानवाधिकार कार्यकर्ता व पत्रकार शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के अल्पसंख्यक मुस्लिम, उइगरों, तिब्बतियों और राजनीतिक असंतुष्टों का उत्पीड़न आमतौर पर राज्य सुरक्षा मंत्रालय द्वारा रोका जाता है, लेकिन लोक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा अक्सर चीन के भीतर परिवार के सदस्यों को धमकी देकर दबाव बनाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन इतना ताकतवर है कि वह कई विदेशी सरकार को भी अपने चंगुल में जकड़े हुए है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।